हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट, और इसमें हम पढ़ रहे थे रेशियो एनालिसिस। इसमें हमने करंट रेशियो पढ़ लिया था, और अभी हम डिस्कस करेंगे त्वरित अनुपात या अम्ल परक अनुपात, क्विक और एसिड टेस्ट रेशियो। यह किसके लिए किया जाता है कि संस्था को अपने चालू दायित्वों का तुरंत या निकट भविष्य में बहुत शीघ्र भुगतान करना पड़े तो क्या यह संस्था भुगतान कर सकती है अथवा नहीं। त्वरित अनुपात जो है वो त्वरित संपत्तियों तथा चालू दायित्वों के मध्य संबंध को स्थापित करता है। इसका फॉर्मूला होगा क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, या फिर करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। इसमें जो आपकी करंट एसेट्स थी उनमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दिया जाता है, क्योंकि इनको क्विक एसेट्स में इंक्लूड नहीं किया गया है कि तुरंत कैश में पैसा मिल सके। इसलिए कुछ विद्वान त्वरित अथवा तरल अनुपात की गणना के लिए चालू दायित्वों के स्थान पर त्वरित चालू दायित्वों का प्रयोग करते हैं, और इनके लिए उन चालू दायित्वों को कुल चालू दायित्वों से हटा लिया जाता है जिनका भुगतान 6 या अधिक समय बाद किया जाना है। बैंक अधिविकर्ष भुगतान कर, फ्यूचर कर, भविष्य कर आदि त्वरित दायित्व होते हैं। जो ये सूत्र इस प्रकार से होगा, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटीज। पुस्तक में प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में पूछे गए प्रश्न इसी सूत्र के आधार पर हल किए गए हैं, और विद्यार्थियों की सुगमता के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि वे क्विक लाइबिलिटीज की पहचान कर सके और क्विक लाइबिलिटीज का ही प्रयोग करें। मीन्स आप अगर ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वैसे भी ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन सोल्व करते टाइम क्विक लाइबिलिटीज को भी बताइए, क्विक एसेट्स को भी बताइए, प्लस ये नोट भी डाल दीजिए कि इस जैसे बीओ है इसको हमने करंट ये क्विक लाइबिलिटीज माना है कि नहीं माना है, ये आप नोट डाल करके बता सकते हो। चालू अनुपात तथा त्वरित अनुपात में अंतर। चालू अनुपात की गणना इस आधार पर की जाती है कि चालू दायित्वों का शोधन एक आगामी वर्ष में कर सकेगी या नहीं संस्था, जबकि त्वरित अनुपात का गणना इस आधार पर की जाती है कि चालू दायित्वों का तुरंत या कुछ समय बाद ही भुगतान कर सकेगी या नहीं। मतलब एक महीने, एक साल से पहले का टाइम भी इसमें हो सकता है। तुरंत करना हो यदि एक महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर, तो उस वजह से। चालू अनुपात में चालू संपत्तियों के अंतर्गत स्टॉक, इन्वेंट्रीज और पूर्वदत्तव्य प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी शामिल कर लिया जाता है, जबकि स्टॉक न्यूनतम तरल संपत्ति होता है तथा जिन व्ययों का भुगतान अग्रिम कर दिया गया है उन्हें पुनः वसूल नहीं किया जा सकता। एक तो स्टॉक का मूल्य कम होता है, दूसरे इसके मूल्यों में परिवर्तन की संभावना भी रहती है, अतः चालू अनुपात द्वारा प्रदर्शित तरलता स्थिति अधिक विश्वसनीय नहीं होती। इस वजह से इस कमी को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्विक रेशियो का उपयोग कर रहे हैं, और इसमें इन दोनों चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता है। अब आइडियल रेशियो क्या माना गया है, 1:1, इससे अधिक है तो संस्था की चालू वित्तीय संस्था या अल्पकालीन शोधन क्षमता सही है, अच्छी है, और अगर इससे कम है तो वह क्षमता कम है। निर्वचन व महत्व, इंटरप्रिटेशन एम सिग्निफिकेंस। इस अनुपात का निर्वचन आदर्श अनुपात की सीमाएं या इसी प्रकार के अन्य संस्थाओं में प्रचलित इस अनुपात के आधार पर किया जा सकता है। 1:1 का अनुपात सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह बताता है कि 1 रुपये के चालू भुगतान के लिए संस्था के पास 1 रुपये की त्वरित चालू संपत्ति है, अर्थात चालू दायित्वों का भुगतान संस्था तुरंत कर सकती है, जो कि सुदृढ़ शोधन क्षमता का प्रतीक है, और संस्था की गुडविल में भी इससे वृद्धि होती है। अब बात करते हैं इसका महत्व। यह संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता का वास्तविक परिचय है कि 1:1 से अधिक का सुदृढ़ वित्तीय स्थिति को दर्शा रहा है और 1 से कम का विकट वित्तीय स्थिति को दर्शा रहा है, यानी कि संस्था के पास में तुरंत भुगतान करने के लिए पैसा ही नहीं है उतना। वित्तीय संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण अनुपात है, तरलता के माप का अधिक कठोर प्रमाप है, फर्म की अल्पकालीन संपत्तियों से फर्म के अल्पकालीन दायित्वों के भुगतान की अच्छी क्षमता का मापन ये प्रस्तुत करता है। चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के संबंध में विचारणीय तथ्य कौन कौन से हैं, उनकी गणना करते समय कि उन सभी राशियों को चालू संपत्तियों में सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनकी एक लेखा अवधि अर्थात 1 वर्ष में वसूली की संभावना रहती है। असंगठित क्षेत्रों की राशि को चालू संपत्तियों में शामिल नहीं करना चाहिए। इनके अलावा विनियोगों को स्थायी संपत्ति मानना चाहिए, लेकिन यदि विनियोग शॉर्ट टर्म के लिए है या टेम्परेरी है अथवा आसानी से बाजार में बेचे जाने वाले हैं, ईजिली मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, तो फिर उनको चालू संपत्तियों में शामिल कर लिया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए विशेष नोट आपको डालना
चाहिए। काल्पनिक संपत्तियों अथवा स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए दिए गए पेशगी भुगतान एडवांस पेमेंट की राशियों को चालू संपत्तियों में शामिल नहीं करना चाहिए। ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और चालू दायित्वों की गणना में क्या ध्यान रखेंगे कि जिनका भुगतान एक लेखा अवधि अथवा एक वर्ष में करना है उनको चालू दायित्वों में शामिल करना है। बैंक अधिविकर्ष की राशि को चालू दायित्वों में सम्मिलित किया जाना चाहिए जब तक कि इसके विपरीत कुछ न दिया हो, अर्थात बैंक अधिविकर्ष को स्थायी अथवा दीर्घकालीन दायित्व तभी माना जाना चाहिए जब प्रश्न में ऐसा कहा गया हो। यानी प्रश्न में अगर ये दे रखा है कि बीओ बैंक और ड्राफ्ट को दीर्घकालीन दायित्व माना गया है तो फिर उसको आपको चालू दायित्व में नहीं शामिल करना है। अदरवाइज नहीं दिया हुआ है तो उसको शामिल करना ही करना है। गिरवी को भी आपको स्थायी दायित्व मानना चाहिए। त्वरित संपत्तियों की गणना करते समय स्टॉक को इसमें शामिल नहीं करना है और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी इसमें शामिल नहीं करना है, यानी कि करंट एसेट्स में से इसको दोनों को लेस करना है। किसी व्यावसायिक संस्था का चालू अनुपात तथा त्वरित अनुपात केवल इस बात का घोतक है कि संस्था में चालू दायित्वों के भुगतान के लिए चालू संपत्तियां या तरल संपत्तियां पर्याप्त है भी अथवा नहीं। अब बात करते हैं हम पूर्ण तरलता अनुपात एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। इस अनुपात को उच्च तरलता अनुपात सुपर क्विक रेशियो तथा नगद स्थिति अनुपात कैश पोजीशन रेशियो के नाम से भी पुकारा जाता है। इस अनुपात की गणना के लिए रोकड़ शेष बैंक शेष तथा विक्रय योग्य प्रतिभूतियों के योग में चालू दायित्वों का भाग दे दिया जाता है। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो बराबर एब्सोल्यूट लिक्विडिटी एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट और क्विक लाइबिलिटीज। अब एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स में क्या क्या मानी गई है, करंट एसेट्स में से रिसीवेबल्स स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा दिया गया, यानी कि इसमें एक और क्या ऐड कर दिया गया है, रिसीवेबल्स ऐड कर दिया गया है। क्विक जो था उसमें तो करंट में से सिर्फ स्टॉक और प्रीपेड को लेस किया था और इसमें रिसीवेबल्स को भी ऐड करके लेस कर दिया गया है। मीन्स आप ये देखो, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड हो गया क्विक, और करंट एसेट्स माइनस रिसीवेबल्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड हो गया आपका एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। और इसमें से आपने इसको डिवाइड किया करंट और क्विक लाइबिलिटीज से। अब इसका निर्वचन या महत्व, पूर्ण तरलता अनुपात या अथवा नगद स्थिति अनुपात का निर्वचन लेनदारों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। एक अनुपात एक तो एक है तो इस बात का संकेत है कि संस्था के पास लेनदारों के बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन है। इसके अलावा यह भी संकेत देता है कि पूर्तिकर्ताओं से उधार माल खरीदने तथा बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेने में उदासीन है संस्था। अब बात करते हैं हम स्वामित्व भुगतान की। इस अनुपात को स्वामी पूंजी कुल संपत्ति अनुपात या शेयर होल्डर्स इक्विटीज टू टोटल इक्विटीज रेशियो व इक्विटी रेशियो भी कहते हैं। यह अनुपात स्वामियों के कोषों नेटवर्थ तथा कुल मूर्त संपत्ति अथवा कुल समताओं के मध्य संबंध स्थापित करता है। इसमें हम यहाँ से देखते हैं, तरलता अनुपात था, उत्तोलक अनुपात था, क्रियाशीलता अनुपात था और आपका लाभदायकता अनुपात था। अब हम बात करेंगे एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशियोज की। हम इसमें ये उत्तोलक अथवा पूंजी संरचना अनुपात को नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तरलता, क्रियाशीलता और लाभदायकता अनुपातों के लिए ही कहा गया है। इसको हम बाद में अगर बचता है टाइम हमारे पास तो फिर इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम क्रियाशीलता अनुपात को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं क्रियाशीलता अनुपात। कार्य निष्पादनों पर ये प्रकाश डालते हैं और इनका प्रमुख उद्देश्य संस्था की कार्य निष्पत्ति तथा प्रबंधकों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन करना होता है। इसके माध्यम से ये देखा जाता है कि संस्था ने उपलब्ध साधनों और सेवाओं का कुशलतापूर्वक एवं लाभप्रद रूप से उपयोग किया है या नहीं। इनकी गणना विक्रय या विक्रय की लागत तथा विभिन्न संपत्तियों स्टॉक डेटर्स बीआर स्थायी संपत्तियों इन्वेस्टमेंट आदि के आधार पर की जाती है। इन अनुपातों को टर्नओवर रेशियो या विक्रय अनुपात भी कहा जाता है। इनमें पहला हम डिस्कस करेंगे स्कंद आवर्त अनुपात स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इस अनुपात को बेचे गए माल की लागत में औसत स्कंद का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो या फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स बेचे गए माल की लागत और एवरेज
औसत स्कंद। बेचे गए माल की लागत कैसे ज्ञात की जाती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपने पढ़ा होगा कॉस्ट वाले उसमें, किसमें? व्यापारिक संस्थान में तो ये होती है। निर्माणी संस्थान में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर क्या कह सकते हैं हम, मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। और अन्य स्थिति में क्या होगी? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये कुछ भी नहीं दे रखा है, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो उससे भी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स निकाल सकते हो। और एवरेज स्टॉक आपका क्या होगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस टू। कभी कभी बेचे गए वस्तु की लागत की सूचना उपलब्ध नहीं होती है, नहीं उसे आकलित करना संभव होता है। ऐसी स्थिति में स्कंद आवर्त अनुपात की गणना बिक्री के आधार पर की जाती है। कैसे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को हम कैसे ज्ञात करेंगे? नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक या फिर नेट सेल्स डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। विक्रय की रकम लागत प्लस लाभ में लाभ सम्मिलित होता है, जबकि स्कंद का मूल्यांकन साधारण लागत पर होता है। इसलिए इस सूत्र का उपयोग सिर्फ तब करना चाहिए जब लागत के बारे में बिल्कुल भी सूचना नहीं दी गई हुई हो। निर्वचन एवं महत्व, जितना अधिक होता है यह अनुपात उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह दिखाएगा कि स्कंद में विनियोजित प्रत्येक रुपए की एक इकाई का प्रयोग करके विक्रय की अधिक मात्रा प्राप्त की गई है। तो जिन संस्थाओं का स्कंद आवर्त अनुपात ऊंचा होगा, लाभ के नीचे उपांत लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट पर भी वो विक्रय जारी रख सकती है। और ऊंचा स्कंद आवर्त अनुपात इस बात का भी सूचक होगा कि कम स्कंद की मात्रा पर ही अधिक व्यवसाय किया जा रहा है, यानी कि जो स्टॉक है उसके स्टोरेज की और अन्य एक्सपेंसेस भी कम है। लेकिन ऊंचा स्कंद आवर्त अनुपात हमेशा व्यवसाय की दक्षता व लाभ वृद्धि का सूचक नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी स्कंद में होने वाली बचत की अपेक्षा विक्रय वितरण में होने वाली वृद्धि अधिक हो सकती है कभी कभी। तो नीचा, अगर स्कंद आवर्त अनुपात नीचा है तो ये माना जा सकता है कि व्यवसाय मंदी के दौर से गुजर रहा हो, या सेल्स में कमी आ गई हो, या उत्पादन का प्रचलन कम हो गया हो, या स्टॉक आवश्यकता से अधिक आपकी पूंजी इन्वेस्ट कर रखी हो, या फिर भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना या अधिक बिक्री की संभावना पर स्कंद को बढ़ा लिया गया है, या फिर स्कंद का मूल्यांकन गलत ढंग से किया गया, स्टॉक का मूल्यांकन गलत ढंग से किया गया हो, स्टॉक की मदों में समावेश में परिवर्तन किया गया हो। स्कंद आवर्त अनुपात की सहायता से व्यवसाय में स्कंद की गति की गणना भी की जाती है। स्टॉक वेलोसिटी की गणना कैसे की जाती है? नंबर ऑफ डेज या फिर मंथ्स इन द ईयर डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, यानी कि, या फिर अब इस फॉर्मूला को हम गणितीय रूप में लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। एवरेज स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू नंबर ऑफ डेज और मंथ इन द ईयर। इस अनुपात के आवर्त की कोई सर्वमान्य या प्रमाणित दर निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि उद्योग की प्रकृति प्रबंध की विक्रय विपणन नीति पर अधिक निर्भर करता है। इससे निष्कर्ष निकालते समय उस प्रकार की अन्य संस्थाओं संपूर्ण उद्योग और उस प्रकार के अन्य उद्योगों से तुलना की जानी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जो है हमारा क्रियाशीलता अनुपात में, देनदार आवर्त अनुपात डेटर्स टर्नओवर रेशियो या रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ये किसके लिए दिखाता है? कि देनदारों की वसूली का गुणात्मक विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। कुल देनदारों और शुद्ध उधार बिक्री में संबंध को स्थापित करके ये ज्ञात किया जाता है कि विक्रय का कितना भाग देनदारों के रूप में असंग्रहित रह गया है, मतलब कितना अभी तक कलेक्ट नहीं किया है। इसका फॉर्मूला वही नेट क्रेडिट सेल्स उधार बिक्री पर ही तो आपका डेटर्स होते हैं डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। और एवरेज रिसीवेबल्स क्या होंगे? ओपनिंग डेटर्स या बीआर प्लस ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स क्लोजिंग डेटर्स और बीआर डिवाइडेड बाय टू। यदि शुद्ध उधार विक्रय की राशि ज्ञात न हो तो कभी कभी यह शुद्ध विक्रय के आधार पर भी ज्ञात कर लिया जाता है, लेकिन तब की जाएगी जब नकद विक्रय की राशि नगण्य हो। यदि वर्ष के प्रारंभ व अंत में देनदारों तथा उधार विक्रय संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं है तो शुद्ध विक्रय व वर्ष के अंत में देनदारों से इस अनुपात की गणना की जानी चाहिए। तब क्या होगा? नेट सेल्स डिवाइडेड बाई क्लोजिंग रिसीवेबल्स। और एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालेंगे? एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाई एवरेज क्रेडिट पर डे। और क्रेडिट सेल्स पर डे कैसे होगी? क्रेडिट फॉर द ईयर और नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। बी आर क्या रिसीवेबल्स क्या होंगे आपके? डेटर्स प्लस बी आर। और एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या हो जाएगा? एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर इनटू नंबर ऑफ मंथ्स और डेज इन अ
ईयर या फिर मंथ और डेज इन ईयर और डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो इसी को उस तरीके से कर दिया गया है। निर्वचन एवं महत्व औसत संग्रहण अवधि की संस्था की वास्तविक उधार की शर्तों व नीतियों के साथ तुलना करके संग्रहण ऋण संग्रहण में कुशलता की जांच की जा सकती है और यह सामान्यतः विक्रय शर्तों में वर्णित शुद्ध वसूली अवधि या उधार अवधि प्लस उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि औसत संग्रहण अवधि शुद्ध वसूली अवधि के 4/3 यानी कि 1+1/3 से भी अधिक है तो ऋण संग्रहण में प्रबंध की लापरवाही और अकुशलता दिखाई देगी और ऋणों में वसूली में देरी डूबत ऋणों में वृद्धि की संभावना का सूचक माना जाएगा। अब है आपका लेनदार आवर्त अनुपात क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।